खुशखबरी खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी, श्रुति बनी सरकारी गवाह, अब खुलेगा रिया का राज। श्रुति मोदी करेंगी रिया के राज का भंडाफोड़ और उसके कारनामे का पूरा चिट्ठा खोलेंगी। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, लेकिन एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है, श्रुति मोदी और उसके फैमिली को प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि माफिया वाले कुछ भी कर सकते हैं। श्रुति मोदी ईडी के सवालों से टूट गई और सरकारी गवाह बन गई। श्रुति मोदी ने बताया कि श्रुति को रिया ही लाई थी, सुशांत के सारे फ़ोन कॉल्स, उसे किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है, ये सारे फैसले रिया करती थी। फिल्मों से संबंधित फैसले भी वही करती थी। छिछोरे हिट होने के बाद से वह कोई भी फिल्म करने ही नहीं दे रही थी। सुशांत इस हालत में नहीं था कि वो कुछ भी कह सके या कर सके, क्योंकि वह 3 महीने तक सोता रहा। ध्यान देने वाली बात है, वह 3 महीने तक सोता रहा था। ईडी के प्रश्नों के उत्तर में श्रुति ने बताया, इन 3 महीनों के दौरान सुशांत का साइन किया हुआ चेक आता था, लेकिन सिग्नेचर फर्जी हुआ करता था, या तो रिया करती थी या उसका भाई करता था, लेकिन हमें कुछ कहने की इजाज़त नहीं थी। सुशांत के इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंपनी के सारे फैसले रिया खुद लेती थी। जो चेक आते थे कभी लाखों के कभी करोड़ों के हुआ करते थे। ईडी ने पूछा कि तुम सुशांत से मिलने की कोशिश क्यों नहीं की। श्रुति मोदी ने बताया, रिया परमिशन नहीं देती थी, कहती थी सो रहा है। 3 महीने तक सुशांत सोता रहा। इन 3 महीनों में सारे घपले किए गए। श्रुति ने बताया, इसके बाद मैंने सुशांत और रिया का काम करना छोड़ दिया। वो महीना फरवरी 2020 का है। उन्होंने बताया कि इसके बाद उनका कोई भी संपर्क सुशांत से नहीं था। नवंबर से फरवरी तक सुशांत को पूरी तरह लूटा जा चुका था, और यही वो समय है जिसमें सुशांत के परिवार वाले भी बार बार कह रहे थे कि नवंबर में ही सुशांत ने अपने पापा से परेशान होने की बात कही थी। नवंबर में ही सुशांत के पापा ने रिया और श्रुति को मैसेज भी किया था, अपने बेटे को छोड़ने की गुहार लगाई थी। एक पिता का मर्म ये दोनों ने नहीं समझा, लेकिन इन दोनों ने कोई जवाब भी नहीं दिया। यूरोप से आने के बाद रिया ने सुशांत को सुलाकर उसके सारे पैसे लूट लिया। सुशांत के पापा ने मैसेज के जरिए इन सबों को मैसेज किया था। देखिए, उन्होंने रिया और श्रुति दोनों को मैसेज किया था। एक बेबस पिता सब कुछ जानना चाहता था, लेकिन इन दोनों ने जवाब नहीं दिया। हार कर उन्होंने फरवरी में पुलिस को कंप्लेन किया, लेकिन पुलिस ने भी कुछ नहीं किया, जिसका परिणाम सुशांत आज हम लोग के बीच नहीं है, रक्षक ही भक्षक बन गए। लेकिन हम लोग की उम्मीद है न्याय भगवान जरूर करेगा। और आप लोग देख सकते हैं कि इस पिता ने क्या मैसेज किया था। सबसे पहले उन्होंने श्रुति मोदी को मैसेज किया, लिखा, मैं जानता हूँ कि सुशांत के सारे कष्ट तुम देखती हो, वो अब किस स्थिति में है इसके लिए बात करना चाहता हूँ। सुशांत से बात हुई थी तो उसने कहा था कि मैं बहुत ही परेशान हूँ। अब तुम सोचो कि एक पिता को कितनी चिंता होगी उसके लिए, इसलिए तुमसे बात करना चाहता हूँ। अब तुम बात नहीं कर रही हो तो मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, फ्लाइट की एक टिकट भेज दो। इसके बाद उन्होंने रिया को मैसेज किया, जब तुम जान गई हो कि मैं सुशांत का पापा बोल रहा हूँ तो बात क्यों नहीं की, आखिरी बात क्या है। फ्रेंड बनकर उसकी देखभाल और उसका इलाज करवा रही हो, मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे भी हो, इसलिए कॉल पर मुझे भी सारी जानकारी दो। इस मैसेज के बावजूद ना तो रिया ने रिप्लाई दिया और ना ही श्रुति मोदी ने दिया था। एक मजबूर बेबस पिता ने उसके बाद फ़ोन कॉल्स भी किए, लेकिन रिया ने अनाप शनाप, सुनने में आया था कि अनाप शनाप बोल उनको बहुत सुनाई थी, खरी खोटी सुनाई थी। उसके बाद उनके पिता ने वही FIR दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने उसको नहीं लिखा। और लास्ट सबको पता है क्या हुआ, बहुत ही दुखद घटना हुई। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि न्याय ज़रूर मिलेगा, और इसके लिए हम लड़ते रहेंगे, और जब तक कि न्याय नहीं मिल जाता